टुडे वी आर फ्लाइंग सिटी लिंक, यहाँ की एक पॉपुलर एयरलाइन है। सो चेक इन एक्सपीरियंस वॉज नॉट गुड, ये जो है कोई भी तरीका नहीं होता। उन्होंने मुझसे पैसे मांगे नियर अबाउट 85,000। अच्छा गाइस, दिस इज बोइंग 737-500, बहुत ही पुराना एयरक्राफ्ट, मेरा बहुत मन था इसमें बैठने का। वी आर सो लकी दैट हमारे सब एयरलाइंस में फ्री का पानी मिल जाता है, एटलीस्ट इंडिगो, स्पाइसजेट, कुछ भी हो। यहाँ पे मेट्रो पे सीट्स लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि आप टिकट लेके चढ़ जाओ। कहाँ मैं मिडिल सीट में था और यहाँ पे इतनी अच्छी लेग स्पेस के साथ मिल गई मेरे को इमरजेंसी एग्जिट। देवी और सजो नमस्कार, हेलो, हापा काबा, इंडोनेशिया सीरीज के एपिसोड नंबर 7 में आपका स्वागत है। अभी तक हमने एक्सप्लोर किया था जावा आइलैंड और बाली आइलैंड। बाली तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है एंड मुझे लगा था कि इस ट्रिप में आके डेफिनेटली एक आइलैंड में और जाऊं। सो टुडे वी आर हेडिंग टू दी सुमात्रा आइलैंड, जहाँ पे हम जा रहे हैं। जगह का नाम है पालेमबैंग एंड जाते वक्त अपन फ्लाइट से जाएंगे एंड जब आएंगे तब अपन आएंगे बहुत ही लग्जरी बस से। एंड जो बस कंपनी है ना, उनका इंडोनेशिया में तो बहुत नाम है। तो मेरा टारगेट रहता है कि जब मैं किसी देश में जाऊँ वहाँ की हर चीज़ दिखाऊँ, वहाँ की बस, ट्रेन, फ्लाइट्स। तो आज होने वाली अपनी एक फ्लाइट जर्नी। टुडे वी आर फ्लाइंग सिटी लिंक, यहाँ की एक पॉपुलर एयरलाइन है। वी आर फ्लाइंग सिटी लिंक एयरबस 320। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:40। मैं हूँ सेंट्रल जाकार्ता में। जाना है मुझे सोइकर्नो हाटा एयरपोर्ट, दैट इज़ समवेयर अराउंड 1 or 1.5 hours फ्रॉम हेयर बाई रोड। बट अपन लेंगे इंडोनेशिया की सबसे बेहतरीन ट्रांसपोर्ट। यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेरे को एक नंबर लगी, मतलब आई रियली लाइक द ट्रांस जकार्ता बसेज, आई रियली लाइक द मेट्रो ट्रेन्स। मतलब दे आर सो चीप, दे आर सो कन्वीनियंट, दे आर सो फास्ट। मतलब यहाँ पे अगर आप पब्लिक बस लेते ना तो वो भी आपको कैब से पहले ही पहुँचाएगी। तो मैं फ़िलहाल आ चुका हूँ दूरी स्टेशन पे एंड यहीं से मेरे को मिलेगी आज अपनी एयरपोर्ट वाली ट्रेन। ट्रेन का टाइम ऑलमोस्ट हो गया है। यहाँ पे ट्रेन सुबह 5 बजे चालू होती है एंड द थिंग इसकी ट्रेन की फ्रीक्वेंसी थोड़ी ख़राब है, यू नो 45 मिनट्स की फ्रीक्वेंसी है। सो आई बिलीव दैट कुड हैव बीन बेटर एटलीस्ट फॉर द प्राइस। तो फिलहाल जो है ट्रेन लेना है। यहाँ पे दूरी पे दो लाइन्स है बेसिकली, एक जो नॉर्मल वाली लाइन्स होती है नॉर्मल मेट्रो की एंड एक जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस है उसकी। मुझे एक चीज़ और देखना है, वो ये कि मैं इस मेट्रो के लिए पे कैसे करूँगा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ कैशलेस है। मतलब आप टोल्स बोलिए, हाफ टिकट्स बोलिए, ट्रेन टिकट्स बोलिए, बस टिकट्स बोल लीजिए, मतलब सरकार ने यहाँ पे सब कुछ कैशलेस कर रखा है एंड इट इज़ वेरी गुड। एक कार्ड है मंदिरी कार्ड, वो मेरे पास है मगर उसमें बैलेंस ज़्यादा है नहीं। मतलब मैंने तो सिर्फ एक बस में चढ़ने के लिए वो कार्ड लिया था, अब मैंने देखा कि वो कार्ड हर जगह चल रहा है, मेट्रो में, टोल्स में। सो दैट कार्ड इज़ रियली गुड। वो कार्ड मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ से कुछ लेना है तो उस कार्ड से आप पे कर सकते हैं, जस्ट लाइक दैट। एक बार टिकट ले लेता हूँ क्योंकि आई एम ऑलरेडी वेरी लेट। 5:56 की मेट्रो थी एंड यहाँ पे मेट्रो पे सीट्स लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि आप टिकट लेके चढ़ जाओ, जितने सीट्स है उतने ही टिकट्स मिलेंगे आपको। बट इट इज़ लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। बहुत ही प्यारा सा सनराइज हो रहा है उधर। सो यहाँ पे ऐसा सेल्फ चेक इन कियोस्क है, सबसे पहली वाली ट्रेन है 5:54 की। सब कुछ यहाँ पे दे दिया उन्होंने। द प्राइस इज 50,000। मैं पे कैसे करूँगा मैं एक बार देखता हूँ। क्रेडिट कार्ड से जो है पे हो चुका है एंड यहाँ पे बेसिकली ऐसा सिस्टम है कि ट्रेन आने से पहले खोल देंगे प्लेटफॉर्म आपके लिए। सो आ गई है अपनी ट्रेन एंड दिस इज बेसिकली द बोर्डिंग पास, मतलब टिकट ही समझ लीजिए आप। दिस कॉस्ट मी अराउंड 250 रुपीज़ एंड कुछ ऐसी है ट्रेन, आप देख के ही समझ सकते हैं कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस जैसा है। बेसिकली इट इज मच मोर बेटर देन अ नॉर्मल मेट्रोस। चलो एक मिनट पहले ही निकल गए एंड दैट इज़ द नॉर्मल मेट्रो, उनमें भी यू नो कुशन वाली सीट्स लगी है। इट वुड टेक अस अराउंड 30 मिनट्स टू रीच द एयरपोर्ट। देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। बाय द वे यहाँ पे ट्रेन्स ना उल्टी चलती है, मतलब बेसिकली समझ जाइए कि इट इज़ लेफ्ट हैंड ड्राइव। जैसे यहाँ पे गाड़ियाँ बस हैं सब राइट हैंड ड्राइव है, ट्रेन्स यहाँ पे उल्टी है, दैट इज़ लेफ्ट हैंड ड्राइव। टाइम इज 6:24, 29 मिनट्स लगे यहाँ तक। वेलकम टू सुकार्नो हाटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टेशन। द एयरपोर्ट स्टेशन इट सेल्फ लुक्स लाइक अ एयरपोर्ट। मुझे बाय द वे जाना है टर्मिनल 3 में, तो अभी स्काई ट्रेन लेनी पड़ेगी। वेलकम टू स्काई ट्रेन, नेक्स्ट स्टॉप इज टर्मिनल 3।
गया हूँ टर्मिनल 3 में एंड टर्मिनल 3 इज़ रियली रियली गुड। जब हम मुंबई से आए थे दैट वॉज टर्मिनल 2। आई वुड से कि सबसे बड़ा टर्मिनल है ये इंडोनेशिया का। इस कियोस्क से अपना सीट चेंज कर लेता हूँ, मिडिल सीट दे दिया उन्होंने। अपना जो चेक इन है वो चल रहा है आईलैंड ई पे एंड हाँ एयरपोर्ट देख के समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड चेक इन कियोस्क बहुत सारे हैं लेकिन मुझे सीट चेंज करनी है तो अंदर ही जाना पड़ेगा। बैग कुछ नहीं है मेरे पास अभी। लगभग जो है 10 से 15 मिनट में चेक इन की लाइन में खड़ा रहा, कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने बोला हमारी एयरलाइन रैंडम सीट्स देती है तो मैं इसको चेंज तो कर दूंगा लेकिन उसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। बट विंडो सीट्स कोई भी खाली नहीं थी पीछे जो मुझे चाहिए था, शायद 3rd row and 11th row खाली था तो वो वाला व्यू मुझे नहीं चाहिए था। उन्होंने मुझसे पैसे मांगे नियर अबाउट 85,000 जो कि 500 रुपये होते हैं। तो मुझे लगा एक ऐसा व्यू जो मुझे पसंद नहीं उसके लिए मैं पेमेंट क्यों करूँ। फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे काउंटर से हटा ही दिया क्योंकि मेरे पास कोई बैगेज नहीं था। उन्होंने बोला कि आप कियोस्क में जाके प्रिंट कर लो। ये जो है कोई भी तरीका नहीं होता, मतलब मैं काउंटर पर आ गया हूँ, चेक इन बैगेज नहीं है, सीट चेंज नहीं भी हुई, तो एटलीस्ट प्रिंट माई बोर्डिंग पास एंड गिव मी। फिर से जो है मेरे को कियोस्क में जाके लाइन लगानी पड़ी। सो चेक इन एक्सपीरियंस वॉज नॉट गुड। एक्चुअली यहाँ पे दिक्कत पता है क्या हुई? दिक्कत ये हुई कि कल मैं एयरलाइन की वेबसाइट पे ही गया बुकिंग करने, वहाँ पे सीट्स फ्री की मिल रही थी, विंडो सीट जो मुझे चाहिए थी, यू नो 20x22F, लेकिन वहाँ पे मेरा क्रेडिट कार्ड काम नहीं किया। फिर मैं चला गया अगोड़ा पे, वहाँ पे मैंने बुकिंग करा, वहाँ पे सीट सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं आया। फिर मैं वहाँ से गया डायरेक्टली एयरलाइन के वेबसाइट पे, वहाँ पे मैनेज बुकिंग में जाके कोई भी ऑप्शन नहीं आया सीट सिलेक्ट करने का, मतलब बुकिंग हो गया है उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं आया सीट सिलेक्ट करने का। तो फिर मैंने चेक इन ऑप्शन दबा दिया एंड रैंडमली 17E तुरंत आ गया। बट जिंदगी में ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं मिडिल सीट में फ्लाई कर रहा हूँ एंड मिडिल सीट भी ठीक है, मतलब एल से तो क्या है कि एल से बिल्कुल वीडियो नहीं बना सकते, मिडिल सीट में फिर भी यू कैन टेक सम वीडियोज़ फ्रॉम योर फ़ोन। अब बाकी फ्लाइट एक्सपीरियंस देखते हैं कैसा होता है। बाय द वे ये जो रैंडम सीट अलोकेशन है ना, ये पहली बार इंडिया में एयर एशिया लाई थी तो तब मैं शॉक रह गया था कि ये क्या, चेक इन करने जा रहा हूँ मेरे को अपने आप सीट्स मिल रही है, मेरे पास सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो ये एयर एशिया में था, तो जब शुरू शुरू में आया था तब जब भी चेक इन करने जाओगे वो सीट्स अपने आप दे देंगे एंड अगर आपको चेंज करना है तो आपको पे करना पड़ेगा। तो ये सिस्टम आजकल हर कोई चला रहा है एंड आज इंडिया में अगर आप किसी भी एयरलाइन से फ्लाई करते हो, चेक इन करते हो, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको सीट नहीं मिलेगी। 3 घंटे पहले वो रैंडम एलोकेट करेंगे एंड आपको बोर्डिंग पास मेल कर देंगे। चलते हैं फिलहाल सिक्योरिटी चेक के लिए। अच्छा, और फ्लाइट इज़ QG982, बोर्डिंग टाइम इज़ 8:30 इन द मॉर्निंग। यहाँ पे चेक इन वाला सिस्टम मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे ऐसा है कि आप बस बैग वॉलेट बेल्ट वगैरह निकाल के ट्रे में रखो एंड यू जस्ट पास थ्रू। मतलब मैं जाके वहाँ पे ऐसे खड़ा हो गया था जहाँ पे फ्रिस्किंग के लिए ऑफिसर्स खड़े थे, वहाँ पे ऐसे बोले कि जाओ साइड हो जाओ। व्यू यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है। दिस इज़ अ एयरबस 330-200 स्टैंडिंग एंड दिस इज़ द गवर्नमेंट एयरलाइन ऑफ इंडोनेशिया, गरुड़ा इंडोनेशिया। वहाँ पे एक और 330, यहाँ पे बोइंग 737, बट इनकी फ़्लाइट्स बहुत महंगी है, यू नो लो कॉस्ट कैरियर से डबल प्राइस है तो इनको मैं ले नहीं सका। वहाँ पे व्यू बहुत बढ़िया रहा है, वहीं पे बैठ के थोड़ी देर बातें करेंगे, बट पहले लेट मी हैव समथिंग। भूख बहुत लग रही है, सबवे खाता हूँ यहाँ पे पहले। सो आई हैव दिस बारबेक्यू चिकन सब 6 inch एंड 1 cream chicken soup। बिल जो है वो 75,500 का बना है, दैट इज़ 410 rupees। ये रहा चिकन सूप एंड ये रहा सब। मेरा सब बहुत ही सिंपल है, चीज़ चिकन एंड क्यूकम्बर, दैट्स इट। रात का है ये फैसला, फासला हम दे मिटा, आग को हम दे हवा, राख हो जल जाए आ, बात हो जब दिलों के धड़कने की, जिक्र हो तेरा मेरा। चलिए, टाइम इज 8:21, 8:30 की बोर्डिंग है, यहाँ पे ट्रैवल लेटर्स लगे हैं एंड वैसे जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ पे मेरा सिम काम नहीं करेगा क्योंकि मेरा सिम है सिर्फ जावा बाली और लॉम्बॉक के लिए, सुमात्रा में एक सिम काम नहीं करेगा। दिक्कतें ओवरऑल बहुत है बट फिर भी एक उम्मीद है मुझे कि डेफिनेटली अगर मैं ये सब कर रहा हूँ तो आपको वीडियो पसंद आ रही है
लेट्स सी हाउ इज द फ्लाइट विद सिटी लिंक। यहाँ पे एक बार बोर्डिंग गेट पे पूछता हूँ, दे कैन चेंज माई सीट और नॉट। बाकी यहाँ पे भी आप एयरपोर्ट देखिए, अच्छा खासा है, वहाँ पे टेक ऑफ लैंडिंग्स हो रही है। सो गाइज, आई एम हियर एट द गेट एग्जैक्टली ऑन टाइम। आवर फ्लाइट इज QG982। बोर्डिंग जो है चालू हो चुका है। वी आर बोर्डिंग राइट नाउ। सीट चेंज नहीं हो पाई, उन्होंने कुछ भी बोला नहीं सीट चेंज पे। एनीवेज, दिस इज द गरुड़ा इंडोनेशिया बोइंग 737। दूर है पहली टायर। सो बेसिकली जस्ट जैसे एक A320 होता है, दोनों साइड जो है तीन तीन सीट्स हैं। दिस इज A320 CEO, यानी सेंटर इंजन ऑप्शन, एंड इट इज द 214 वेरियंट। बाकी ऊपर जो है रीडिंग लैम्प्स, AC वेंट्स, एयरलाइन लिटरेचर, ऐसा कुछ है। ये आप फूड मेनू देख लीजिए, पॉसिबल होगा तो कॉफ़ी वगैरह लेंगे। एंड प्रीबुक भी हो जाता है कुछ, अगर हॉट मील्स वगैरह चाहिए तो। जैसे ये है नासी गोरेंग एंड ये है चिकन राइस, बोथ इज फॉर 60,000, जो कि लगभग मैं कह सकता हूँ 300 रुपये होते हैं। रियली कुडंट से हाउ हैप्पी आई एम। एक्चुअली हुआ क्या कि मैं पीछे बैठा था मिडिल सीट पे। एक्चुअली क्या थी, मेरे साइड में मैम थी, तो मैं उनको बोल नहीं सकता था कि आप में से मिडिल सीट में बैठो, यू नो दोनों जेंट्स के बीच में अच्छा भी नहीं लगता, तो मैंने बोला ही नहीं, मैं आराम से मिडिल सीट में चला जाता। बट हुआ ऐसा कि बोर्डिंग कंप्लीट हुआ एंड इमरजेंसी एग्जिट्स खाली रह गई, तो दे कैनॉट कीप इमरजेंसी एग्जिट एम्प्टी, क्योंकि कोई भी यू नो इमरजेंसी आती है तो गेट खोलने वाला कोई नहीं होगा। तो उन्होंने ऐसे करके इशारों में कुछ बुला लिया एंड यहाँ के जो लोकल लैंग्वेज है उसमें बोल रहे होंगे कि आप आके जो है यहाँ पे बैठ जाओ इमरजेंसी एग्जिट में, कोई भी अगर आना चाहे तो। लैंग्वेज तो समझ में नहीं आता, बट मैंने देखा कि लोग उठ उठ के सामने की ओर जा रहे हैं, तो मैं तुरंत भागा, मौके पर मैंने मार दिया चौका। कहाँ मैं मिडिल सीट में था और यहाँ पे इतनी अच्छी लेग स्पेस के साथ मिल गई मेरे को इमरजेंसी एग्जिट, हालांकि विंडो गंदी है। खैर, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अरे यार ये तो साफ भी नहीं हो रही। चलिए जी, डोर्स क्लोज फॉर डिपार्चर। फ्लाइंग टाइम इज गोइंग टू बी 50 मिनट्स। एरियल डिस्टेंस कवर करेंगे नियर अबाउट 600 किलोमीटर्स का। राइट नाउ द टाइम इज 8:54, सो अ लिटिल डिले इन डिपार्चर, बट खैर आई एम वेरी हैप्पी कि मैं यहाँ पे बैठ पाया। जस्ट cannot believe कि मिडिल सीट से इमरजेंसी एग्जिट वाली रो पे विंडो, वो भी पूरी रो मेरी, यार मतलब किस्मत अलग ही बदल गई। खैर जो भी हो, लेट्स टेक ऑफ फ्रॉम सोएकानो हाट्टा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिलहाल इनकी मैगजीन वगैरह देख लो, इनके पास शॉपिंग के लिए भी चीज़ें हैं जैसे डियो वगैरह। फॉर एन आइडिया दिस इज़ 1500 रुपीज़ सारे। अब मेरा प्लान है कि मैं एक तो ये पॉपकॉर्न ले लूँ एंड एक ले लूँ कॉफ़ी। प्राइसेस मोर और लेस हमारे जैसे हैं, बट पानी फ्री है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। प्राइसेस वही है सेम लाइक इंडिगो और एनी अदर एयरलाइंस। जैसे कॉफ़ी आएगी आपकी 100 रुपीज़ के आसपास, फिर कप नूडल्स आएगा 150-200 के आसपास। एंड सी, आई एम नॉट कंप्लेनिंग कि जो रैंडम सीट अलोकेशन वाला सिस्टम है वो बेकार है, दैट इज़ वन ऑफ द फार बेस्ट सिस्टम आई नो, लेकिन वेबसाइट से ही होनी चाहिए। अगर कोई पैसेंजर अपनी मर्जी से सीट सिलेक्ट करना चाह रहा है विद पेमेंट, तो वो कर सके, वेबसाइट से ही होनी चाहिए, दैट वॉज माई पॉइंट। एंड चेक इन काउंटर से एटलीस्ट ही कुड हैव प्रिंट माई बोर्डिंग पास एंड गिव मी। ये क्या है कि आप जाओ लगेज दिए तो और वहाँ से कियोस्क से प्रिंट कर दो, दैट इज़ नॉट गुड। सो हियर इज़ वॉट आई हैव टेकन। एक जो है पॉपकॉर्न, दिस इज़ कैरामल कैशियो पॉपकॉर्न। ये बेसिकली है 25,000 इंडोनेशियन रुपये का। दिस इज़ कॉफ़ी, दिस इज़ 15,000 इंडोनेशियन रुपये। एंड ये पानी ये फ्री नहीं है, दिस इज़ 10,000। मतलब सोचिए 60 रुपये में 300 ml पानी का बोतल। आज वी आर सो लकी दैट हमारे सब एयरलाइंस में फ्री का पानी मिल जाता है, एटलीस्ट इंडिगो, स्पाइसजेट, कुछ भी हो। एंड आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया में पानी काफ़ी चीप है। जैसे यहाँ पे तो एयरलाइन है, मगर फिर भी यहाँ पे आप नॉर्मल 600 ml बॉटल लेंगे, इट वुड कॉस्ट नियर अबाउट
30 rupees, हमसे 3 गुना ज़्यादा। हमारे आज 500 ml पानी का बोतल 10 रुपये में आता है एंड 1 लीटर जो है 20 में आता है, रेलवे तो 15 की दे देती है। सो वाटर बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जल है तो जीवन है, वो इंडिया में बहुत चीप है। यहाँ पे देख लीजिए, प्यास लग रही थी, एयरपोर्ट से पानी भरना भूल गया था, बॉटल नहीं था, तो अब फ्लाइट में मुझे लेनी पड़ी। यहाँ पे कॉफ़ी इज़ समथिंग लाइक दिस एंड अच्छा लग रहा है देख के, तो पॉपकॉर्न भी ट्राई करेंगे। एक चीज़ मैं बता दूँ, जब आप ऑनलाइन एयरलाइन की वेबसाइट से टिकट बुक करते हैं तो आपको फ्री सीट सिलेक्शन मिलता है जो 20 रो के पीछे वाली सीट्स हैं एंड हर सीट के साथ एक फ्री ड्रिंक होता है। तो मुझे कल लगा था कि यार क्या होगा, क्या पता मे बी कोल्ड ड्रिंक, ऑरेंज जूस या कुछ ऐसे देते होंगे फ्री ड्रिंक। आज पता चला कि जो लोग सीट सिलेक्ट करते हैं और जो साथ में फ्री ड्रिंक मिलता है वो 300 ml पानी का बॉटल है। बहुत हंसी आई अभी देख के। सोचिए यहाँ पे मतलब ऐसा सिस्टम है कि पानी दे रहे हो उसको भी बोलना पड़ रहा है कि फ्री ड्रिंक है। खैर ये कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। मेरा माइंडसेट पानी को लेकर ऐसा है क्योंकि बचपन से मतलब मेरे को मिलते आ रहे हैं फ्री में, बहुत इजीली एक्सेसिबल है इंडिया में इसलिए। बट आई वुड से द कॉफ़ी इज़ वेरी गुड, एकदम स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी है एंड यहाँ पे कॉफ़ीज़ बहुत अच्छी हैं। मैं प्लान करूँ कि जितनी भी करेंसी मेरे पास बचे उसकी जो है मैं घर में कॉफ़ी ले जाऊँ। पॉपकॉर्न सही में काफ़ी बढ़िया लग रहा है, लेट मी ट्राई दिस। एंड यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट का लेग स्पेस काफ़ी ज़्यादा है ना, तो ट्रे टेबल जो है कुछ ऐसा है काफ़ी बाहर आती है। पॉपकॉर्न इज़ गुड बट लैंडिंग से पहले ख़त्म नहीं कर पाऊँगा। वैसे ये रहा इस फ्लाइट का वॉशरूम एंड फॉर 50 मिनट्स फ्लाइट वॉशरूम कैसे भी हो मैं तो यूज़ भी नहीं करता, बिकॉज हाथ धोने आया था। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है सोप, ये किस लिए क्या पता, इसका क्या फंक्शन है। सो इन्होंने लिक्विड हैंड वॉश अलग से रख दी। यहाँ पे आपके टैप है, टिश्यू पेपर्स है, जैसा होता है वैसा ही है, बट यहाँ पे पता नहीं क्लॉग हो गया है। वैसे यहाँ पे मेरे को पूरी सीट मिल गई ना तो उसके लिए बहुत खुश हूँ एंड दो चीज़ों की चिंता अभी भी मेरे मन में है, एक कि उतर के सिम काम नहीं करेगा तो क्या करूँ, दूसरा कल शाम को मुझे जाना था वापस से सूरावाया एक स्पेशल व्लॉग बनाने, मगर वापसी की फ़्लाइट काफ़ी महंगी है एंड मेरी इंडिया जाने वाली फ़्लाइट से एकदम मतलब लग के हो रहा है टाइम, तो सोच नहीं पाया अभी तक कि वो क्या करूँ। So guys, time is 9:40, about 35 minutes of flying and we are almost near to Palemba. उतरते हैं यहाँ के एयरपोर्ट में, देखते हैं नज़ारे कैसे हैं। I hope our touchdown would be in the next 10 to 15 minutes. The local time is 9:52. सुल्तान मोहम्मद बारारुद्दीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपका स्वागत है एंड ऑल्सो मैं बता दूँ ये जो सिटी लिंक है ना, दिस इज़ अ 4-star एयरलाइन रेटेड बाई स्काई ट्रैक्स। स्काई ट्रैक्स इज़ द बिगेस्ट यू नो एयरलाइन अवार्ड, क्या बोलूँ अब मैं, स्काई ट्रैक्स बेसिकली यू नो बिगेस्ट एयरलाइन अवार्ड सेरेमनी होस्ट करती हैं, बहुत नाम है स्काई ट्रैक्स का एंड इनकी सीट्स ना लो कॉस्ट से काफ़ी अच्छी है, जस्ट लाइक एयर एशिया सीट्स थोड़ी बहुत ना मोटी है। सिमिलरली यहाँ पे एक और एयरलाइन है सुपर एयर जेट, उनकी सीट्स अपनी इंडिगो जैसी है पतली पतली, बट दिस सीट्स आर रियली रियली गुड एंड इट इज़ कम्फर्टेबल फॉर फ्लाइंग मोर देन यू नो 5-6 आवर्स। यहाँ पे आप इमरजेंसी एग्जिट है उसका लेग स्पेस देख लीजिए, जितना मर्जी पाँव फैला लो। बाय द वे फॉर टुडेज फ्लाइट आई हैव पेड इंडियन रुपीज़ 3700
जो कि इक्विवेलेंट है अराउंड 6,80,000 रुपीज़ के इंडोनेशियन रुपये। IDR 6,80,000 होते हैं। अब करेंसी इधर से उधर हो सकती है मगर एग्जैक्ट फिगर्स आपके स्क्रीन पर रहेंगे। एंड यहाँ पे जो है फ्लाइंग काफ़ी चीप है, अगर आप पहले से बुक करते हैं तो मे बी आपको ये जो फेयर है ये 3,000 से नीचे का पड़े। और ताजुब की बात ये कि आज मैं बस से रिटर्न जा रहा हूँ 3,000 रुपये देके। सो बेसिकली यहाँ पे बस की टिकट की कॉस्ट और फ्लाइट की टिकट की कॉस्ट सेम है, बट कम्फर्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बस की कम्फर्ट वहाँ है और फ्लाइट की यहाँ पे, वो तो अगले वाले व्लॉग में आपको पता चल ही जाएगा। इट इज़ अ 4-स्टार रेटेड एयरलाइन, डीप्लेन करके मिलता हूँ। अच्छा गाइज, दिस इज़ बोइंग 737-500। बहुत ही पुराना एयरक्राफ्ट, मेरा बहुत मन था इसमें बैठने का मगर मुझे लगा कि यू नो अंदर से ऑलमोस्ट सेम ही है, बस बाहर से फ़र्क पता चलता है तो कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं तो मैं इसमें अप डाउन करने वाला था एक आइलैंड तक। आई वुड से इस एयरक्राफ्ट को देख के एक रेट्रो फीलिंग आता है। आपको कैसा लगा ये एयरक्राफ्ट, और आप एयरबस के फैन है कि बोइंग के, बताइए कमेंट्स में। एंड दिस इज़ लायन एयर एयरबस 330, कहाँ जा रही है मुझे नहीं पता बट दिस इज़ Most probably international departures. So welcome to Palembang. यहाँ पे जो है आपके बैगेज बेल्ट है। आज मैं बैग लाए नहीं क्योंकि एयरलाइन के वेबसाइट पे लिखा हुआ था कि बैगेज 20 किलो का है और जहाँ से मैंने बुक किया वहाँ पे 10 किलो लिखा हुआ था, तो मैंने रिस्क ही नहीं लिया, होटल पे रख दिया। आई वुड से बहुत ही ज़्यादा छोटा सा एयरपोर्ट है, तीन ही जो है यहाँ पे बैगेज बेल्ट्स हैं एंड जो सिटिंग एरिया है वो भी काफ़ी कम है। आई वुड जस्ट फिनिश सम ऑफ माय वर्क। चलिए जी, फिलहाल निकल रहा हूँ एयरपोर्ट से एंड एक्चुअली क्या हुआ कि काफ़ी थोड़ा काम था तो अंदर कर लिया एंड वाईफाई स्पीड सही था तो वीडियो अपलोड कर लिया। यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी, ग्रैब की बाइक नहीं चलती तो यहाँ पे अच्छा खासा पैसा मेरा जा रहा है अभी कैब में। सो दिस इज़ अ कैब एंड बेसिकली यू नो अपना 7-सीटर गाड़ी जैसा है। तो यहाँ से अपना बस टर्मिनल्स लगेगा लगभग 20 मिनट के आसपास। इस वाले एयरपोर्ट पे भी आपको LRT मिल जाता है जो कि मतलब एयरपोर्ट का मेट्रो है, मगर क्या है कि वो लेने जाऊँगा तो अभी बस निकल जाएगी मेरी। जब भी नेट मिल रहा है मैं काम कर ले रहा हूँ क्योंकि होटल में नेट इतना फुद्दू है ना मैं क्या बताऊँ। तो एक्सपीरियंस विद सिटीलिंक वॉज गुड, अच्छा रहा काफ़ी। दो जगह मैंने सिर्फ बोला कि एक जब मैं 10-15 मिनट खड़ा होकर चेक इन काउंटर तक पहुँच गया तो और उसे सीट चेंज नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट वो अपना बोर्डिंग पास प्रिंट करके दे दें। एंड द सेकंड इज़ कि थोड़ा यू नो वेबसाइट अगर अच्छा होता तो अच्छा होता, मतलब सीट वगैरह अगर टिकट बुक करने के बाद भी सिलेक्ट कर पाते, क्योंकि चेक इन मतलब मैंने चेक इन मारा और उन्होंने ऑप्शन ही नहीं दिया मेरे को सीट सिलेक्ट करने का, जस्ट रैंडम दे दिया। यहाँ पे मैंने एक और अजीब सी चीज़ देखी इंदोमार्ट में, मतलब मे बी पॉसिबली कि एयरपोर्ट का इंदोमार्ट है इसलिए हो सकता है, मगर इंदोमार्ट में जो पानी का बॉटल मैं जावा आइलैंड में लेता था यू नो 4,000 का, वो यहाँ पे मेरे को 11,000 देने पड़े। मतलब 600 ml पानी बॉटल लगभग 60-70 रुपये का, वो बात थोड़ा सा अजीब सा लगा कि पता नहीं क्यों, मे बी बिकॉज एयरपोर्ट हो सकता है, मे बी बिकॉज सुमात्रा आइलैंड जो है थोड़ा कॉस्टली है। अब ये चीज़ मैं कंफर्म करके यहाँ पे लिख दूंगा। मिलते हैं अगले वाले व्लॉग में, तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, याद रखें तूफान आंधी है बरसात हर मंगल शुक्र आपके साथ।